बिल्ली की लड़ाई। इस मुहावरे के बारे में हर किसी ने सुना होगा और सभी को इसका मतलब भी पता होगा, पर क्या आपने कभी चूहे बिल्ली की लड़ाई आमने सामने देखी है? अगर नहीं तो इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपको भी टॉम एंड जेरी की फाइट याद आ जाएगी। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिल्ली टायर के इधर उधर चूहे को ढूंढ रही होती है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बावजूद वह चूहे को नहीं ढूंढ पाती। वही इस वीडियो में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चूहा ठीक उसकी आंखों के सामने बैठा होता है। दरअसल रिम पर जंग लगा है और चूहे का शरीर का रंग उससे मिलता है, जिसके कारण वो उसमें ऐसे घुल गया कि बिल्ली कंफ्यूज हो गई। इस मजेदार वीडियो को ट्विटर यूजर डॉक्टर अजातिया ने शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, इस बात को मानिए कि आप भी उसे नहीं देख पा रहे हैं। असली टॉम एंड जेरी यही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट्स किए जा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इसे कहते हैं सरेआम आंखों में धूल झोंकना, असली टॉम एंड जेरी यही है। इसके अलावा और भी कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए। ये बोतल है, इसको एक एटम में फ्लिप करके देखो, आपको 2000 रुपए दूंगा। कहते हैं ना कि माँ से पंगा नहीं लेना चाहिए, और हर किसी के घर में उनकी मम्मी किसी न किसी बात पर कहती ही होगी कि आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का अपनी माँ को एक चैलेंज देता है। ये बोतल है, इसको एक एटम में फ्लिप करके देखो, आपको 2000 रुपए दूंगा। देखिए कैसे ये लड़का अपनी माँ को 2000 का नोट दिखाकर कहता है कि अगर आप इस बोतल को एक बार में फ्लिप कर दोगी तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा। बेटे को लगता है कि माँ ऐसा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाता रहता है। लेकिन तभी उसकी माँ बोतल हाथ में लेती है और एक बार में बोतल को फ्लिप कर शेल्फ पर खड़ा कर देती है, जिसे लड़का देखता ही रह जाता है। ये बोतल है, इसको एक एटम में फ्लिप करके देखो, आपको 2000 रुपए दूंगा। इसके बाद माँ हंसते हुए लड़के से 2000 का नोट लेकर आगे बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि माँ से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर पंगा लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर मम्मी और बेटे का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को नेशन नाम के फेसबुक अकाउंट ने शेयर किया है, जिस पर अब तक 62,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। सोशल मीडिया में शादी ब्याह से जुड़े वीडियो आए दिन खूब वायरल होते रहते हैं। इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही हम भावुक हो जाते हैं, तो कई वीडियो को देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो दुल्हन से जुड़ा है, जो ऐसा कुछ करती नजर आती है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा। वायरल हो रहे चंद सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अपनी ही शादी में दुल्हन को गोलगप्पों की इतनी याद आई कि स्टेज से ही उठकर खड़ी हो गई और दौड़कर गोलगप्पे वाले के पास पहुंच गई। इस दौरान वेन्यू हॉल में मेहमानों का रिएक्शन देखने लायक था। इस मजेदार पल को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो को हजारों लाखों बार देखा जा चुका है और नेटिजन जमकर कमेंट कर रहे हैं। दुल्हन के इस मजेदार वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, सॉरी मैं भूखी नहीं रह सकती। एक कमेंट में कहा गया, मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह खाने की शौकीन है ये। ऐसे ही एक यूजर ने कहा, वाह क्या बात है, गोलगप्पे की बात ही कुछ और है। I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with this.
दिनों सोशल मीडिया पर एक गाना छाया हुआ है, बेल चाओ। कुछ दिन पहले बचपन का प्यार गाने वाले सहदेव ने भी ये गाना गुनगुनाया था। अब इसका गुजराती वर्जन भी आ गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम में एक मंडली बैठी हुई है। उसी मंडली में से एक शख्स बेल चाओ गाना गा रहा है, वो भी गुजराती में। आलम यह है कि वहाँ मौजूद लोग इस गाने को सुनकर खुश हैं। यह वीडियो किस तरह छाया हुआ है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस वीडियो को अब तक 23 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।